आप सभी लोगों का आपके चैनल O2 एजुकेशनल सर्विसेज में स्वागत है। आज हम लोग अति महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे। यह प्रश्न, यह क्वेश्चन 2003 नीट यानी मेडिकल एग्जाम में आ चुका है। यह इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का है और इसमें बच्चे एन फैक्टर निकालने में गलतियां कर देते हैं, तो आइए इसको सीख लेते हैं। आज जान लेते हैं कि किस तरीके से जब केमिकल इक्वेशन दिया हो तो एन फैक्टर आप कैसे निकालेंगे, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। तो आइए देखते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए, एल्युमिनियम गिव्स Al+3+3 इलेक्ट्रॉन, है ना, मैंने बैलेंस किया इसको, तो आप देख रहे हैं कि 1 मोल एल्युमिनियम रिलीज 3 इलेक्ट्रॉन। सो फ्रॉम द केमिकल इक्वेशन आप देखिए 4/3 एल्युमिनियम विल रिलीज, देखिए 1 मोल एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, तो 4/3 एल्युमिनियम कितना रिलीज करेगा, 4/3 × 3 इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो गया 4 इलेक्ट्रॉन। और नंबर ऑफ रिलीजेस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड व्हाट, एन फैक्टर, हेंस एन फैक्टर विल बी इक्वल टू 4। तो देखिए कितना आसानी से एन फैक्टर निकल गया, है ना, आपने 4/3 से मल्टीप्लाई कर दिया 3 में, क्योंकि 1 मोल में 3 है, तो 4/3 मोल में कितना हो जाएगा, 4/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हेंस एन फैक्टर इज इक्वल टू 4। अब आ जाइए, डेल्टा जी इज इक्वल टू -NFeCl होता है, तो यहाँ पे किलो जूल में दिया है, तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए आप 10^3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, ई सेल कितना आ गया 2.14 वोल्ट। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। धन्यवाद।